नमस्कार दोस्तों, अवर ब्रेन अवर लाइफ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। काफी सारे लोगों के मेल आए थे मुझे पेरेंटिंग इशू को लेकर। मुझे लगा आज हम पेरेंटिंग की बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा पाए। पेरेंटिंग है क्या, पालन पोषण क्या चीज है, क्योंकि आज भागती लाइफ, दौड़ती जिंदगी, माँ बाप दोनों आजकल नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, वो बिजी हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है जो आपकी भविष्य की धरोहर को एक अच्छे पाथ पे ले जा सकती है। आजकल जो मेल आए हैं, जो लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने पहले चाइल्ड बर्थ पे बोला था, मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, मेरी जो लोगों से पेरेंटिंग को लेकर बात हुई है, कभी कभी बच्चा जब 2 साल का 2.5 साल का हो जाता है, वो चलने लगता है तो बड़ा एंगर दिखाता है, वो काम नहीं करता है, वो चीजें तोड़ फोड़ करता है, हाइपर हो जाता है, और ये एक कॉमन फिनोमेना, कॉमन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और अगर ये बढ़ती रही तो ADHD या इस तरह की बीमारियां भी ले सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। तो बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद वो हाइपर हो गया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थोड़ा सा यथार्थ की बात करना चाहूंगा मैं। ये प्रॉब्लम चाइल्ड में नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम में छुपी हुई है, पेरेंट में छुपी हुई है। आप देखते हैं कैसे बच्चा जब पैदा होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जब वो 1.5 साल का हो जाता है, चलने लगता है, तो कभी कभी गिर जाता है, चोट महसूस होती है उसको, वो रोने लगता है, तब हम क्या कहते हैं मजाक, बेटा कुछ नहीं, जमीन टूट गई, चींटी मर गई। वो घबरा जाता है, वो सोचता है कुछ ऐसा काम हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और भूल जाता है चोट लगी और चल देता है। तो वो तो इतना प्योर होता है उस टाइम, तो फिर इतना हाइपर क्यों हो रहा है? अब ये थोड़ा समझने की बात है, जो हाँ हम इग्नोर कर रहे हैं उसको हमें सुधारना चाहिए। इग्नोर हम क्या कर रहे हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो एज पर साइकोलॉजी 2 साल तक तो वो माँ का अपने आप को हिस्सा समझता है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। और इस थ्योरी को अब हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, चाणक्य बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इतिहासकार उनको नमन करते हैं, उन्होंने लिखा है कि पहले 4 साल के जो बच्चा कर्म भोगता है, अर्थात पहले 4 साल की जो भी प्रॉब्लम है वो माता की वजह से हैं, अगले 4 साल पिता के हैं, और अगले 4 साल 12 साल का जब बच्चा हो जाता है टीनेज से पहले, वो दोनों को मिक्स करके खुद क्रिएट करता है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं वो कहना क्या चाहते थे, उसको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो अब वो स्टडी करने के बाद मैं सिर्फ उसको आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उनका कहने का क्या मतलब था। पहले 4 साल बच्चे का लालन पालन पूरी तरह माँ पे डिपेंडेंट है, 2-2.5 साल तक तो वो माँ का ही हिस्सा समझ रहा है, उसके बाद भी वो माँ की काफी सारी चीजें फॉलो करता है। अब क्या फॉलो करता है, सजेस्टिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया। अगर माँ इंट्रोवर्ड है या आउटवर्ड है, 90% बच्चा सेम होगा, इंट्रोवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। माँ की जो प्रॉब्लम है, माँ को अगर एंजाइटी है, माँ को अगर कोई डिप्रेशन है, माँ को अगर कोई एंगर है, शॉर्ट टेम्पर है, वो बच्चे में जरूर ट्रांसफर होगी। 70-90% का रेशो है जो ट्रांसफर का है, कभी कभी 100% भी हो जाता है, डिपेंडिंग बाकी कितने लोग हैं उस इन्वायरमेंट में, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर का कितना टाइम घर पे स्पेंड होता है, वो सब क्राइटेरिया है। लेकिन फिर भी 70% बहुत बड़ा एरिया है जो माँ पे है। तो माँ अगर स्ट्रेस में है तो बच्चा स्ट्रेस में रहेगा बड़ा, ये डेफिनेटली है। तो माँ को स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि माताओं को कोई स्ट्रेस ना हो, लेडीज को घर में अननेसेसरी की टेंशन ना दें, वो शांत रहें, हाइपर टेंशन ना लें, ये बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा एक अच्छा चाइल्ड बने। अब आते हैं अगले 4 साल। अगले 4 साल वो पिता के ऊपर सीखने लगता है, पिता की आदतें सीखता है, अगर कोई एडिक्शंस हैं पिता में वो एडिक्शंस भी लेता है, काफी सारी चीजें पिता की भी 70-90% ट्रांसफर होती है। अब अगर पिता में एडिक्शन है, मान लो पिता सिगरेट पीते हैं, मान लो पिता वाइन लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए,
तो बच्चे में ट्रांसफर होगी। मेरे पास एक सज्जन आए थे, पेरेंट आए, उन्होंने बोला मेरे को कि हमारा बच्चा वो छोटी उम्र में वाइन पीने लग गया। मैंने कहा आप पीते थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं पीता था पर मैंने अभी छोड़ दिया। तो मैंने हंस के कहा सर जिस उम्र में आपने छोड़ी ये भी छोड़ देगा, चिंता मत कीजिए। हम बच्चे को ब्लेम दे रहे हैं, अरे हमें वो काम नहीं करने चाहिए उनके सामने। अगर कोई भी एडिक्शन है बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए, बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए। अगर कोई लड़ाई भी कर रहे हैं, कोई घर में पेरेंट्स की कभी कभी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो बच्चे के सामने अवॉइड करना चाहिए, वरना बच्चा उसको लेता है और अगले 4 साल वो उन दोनों को मिक्स करता है और इन्वायरमेंट से सीखता है। इन्वायरमेंट में स्कूल आता है, हम अच्छे स्कूल में भेजते हैं, वहाँ से डिसिप्लिन लेता है, वहाँ के टीचर्स से ये समझता है कि हमें डिसिप्लिन के साथ कैसे काम करना चाहिए। और आपका क्या फर्क है उस पर, उन सबको मिक्स करके वो नई क्रिएटिविटी क्रिएट करता है जो 12 साल तक की उम्र तक पक जाती है, या जिसको हम कहते हैं बेस बन जाता है, उसी बेस पे वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। तो क्या हम इसका कोई प्रूफ ले सकते हैं, कोई प्रूफ पे काम कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। हमने एक बार इसको साइकोलॉजिकली एंगल से देखने की कोशिश की है। रावण, रावण के बारे में कहा जाता है बहुत विद्वान था पर राक्षस था। राक्षस बोलते हैं जबकि उसका कुल ब्राह्मण था। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो बहुत विद्वान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, कर्म से नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण था वो। लेकिन इशू कहाँ आया उसको हम राक्षस बोलने लगे। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, रावण की माता एक राक्षस थी, क्रूअल थी, राक्षस मीन्स क्रूअल थी। 4 साल की क्रूअल्टी उसमें चली गई। उसके पिता बहुत बड़े तपस्वी थे, तो रावण ही बहुत बड़ा तपस्वी बना और उसने तपस्या से कहते हैं ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया। तो अगले 4 साल उसने पिता की चीजों को अडॉप्ट किया और उनको मिक्स कर दिया और उन्हें एक नया क्रिएचर क्रिएट कर दिया अपने लिए। ही वॉज इंटेलिजेंट, कहते हैं एको अहम रावणे न भूतो न भविष्यति। ये रावण ने रामायण में बोला है कि रावण एक मैं ही हूं, ना अभी हुआ है ना कभी होगा। तो वो इतना इंटेलिजेंट था या इतना इंटेलिजेंट अपने आप को समझता था कि अभी दोबारा इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उसे राक्षस बोलते हैं। उसके कर्म राक्षस जैसे थे क्योंकि जो 4 साल है माता के वो ट्रांसफर हुए, अगले 4 साल पिता के ट्रांसफर हुए और उन्हें उन दोनों को जोड़ के एक नई क्रिएटिविटी क्रिएट कर दी और जिसका इम्पैक्ट उसने पूरी दुनिया को डाला। उस समय के उस काल के जितने लोग थे सबने उसको बियर किया। तो अब दोस्तों हमें देखना है हमने अपने बच्चे को कितना बढ़िया बनाना है, हमने अपने बच्चे को किस कैटेगरी के लेवल पे लेके जाना है। तो हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे उतना आपके बच्चे पे आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये आप ही का रिफ्लेक्शन है, किसी और का नहीं है, यकीन मानिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? जब वाइफ आपकी पेरेंट्स में से जो स्त्री है बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त अगर उसके दिमाग में कुछ भी टेंशन चल रही है जो पुरानी है, कई बार पेरेंट्स में आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा नोकझोंक होती है, कई बार उसको सीरियसली ले लेते हैं, वो नोकझोंक उसको हटानी चाहिए, हटा देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और नहीं हट रही तो डेफिनेटली शी शुड कॉन्टेक्ट विद साइकोलॉजिस्ट, वो हटाएगा, मेमोरी इरेज करने का। और ये हम बायो टूल से, हम मशीनों से भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ मशीन है, बायो टूल्स आज बना दिए हैं साइंटिस्टों ने, बायो टूल लगा के हम चेक कर सकते हैं इसको, कितनी एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, ये चेक किया जा सकता है। तो वो दूर करना चाहिए। अगर वो हाइपर टेंशन है या शॉर्ट टेम्पर है उसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, जो पिता हैं उनको कोई भी एडिक्शन की चीज बच्चे के आगे नहीं करनी चाहिए। तीसरा, आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, ज़्यादातर दोनों काम पे चले जाते हैं, पीछे से 100% वो सर्वेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब सर्वेंट की नेचर अलग हो सकती है, बच्चा उसे भी सीखेगा। तो मेरा अपना सजेशन है कि जब बच्चा छोटा हो, 4-5 साल तक का हो, तो एटलीस्ट घर में कोई बुजुर्ग होना चाहिए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी एक बुजुर्ग जरूर होना चाहिए जो उसको अच्छा गाइड कर सके, करेक्ट। और जो सबसे लास्ट में है, आप एक ऐसा पेड़ गर्व कर रहे हैं जो आपको भविष्य में, आपको ही नहीं समाज को भी फल देगा। तो आपको देखना है कि वो फल
मीठे होंगे कड़वे होंगे। बच्चे को ब्लेम मत कीजिए, आज जो मैंने बोला है ये बिल्कुल आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें मेल करें, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये यूजफुल वीडियो देखने के लिए, फ्यूचर में और भी जो वीडियो आएंगे, और इसको लाइक करें और ज़रूर इस पर अपना जो कमेंट है, अपने सुजेशन है वो हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम इम्प्रूव करके आपको और ज्ञानवर्धक वीडियो दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।